मौलाना साहब, जो ये ममता बनर्जी है, इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये मुसलमानों का समर्थन करती हैं, तो इन्होंने अब अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। उसमें एक नाम तो जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है यूसुफ पठान का। तो इससे अलग इन्होंने और कितने मुस्लिमों को टिकट दिया है, तो कुछ बताएं इस मामले में। जी, TMC यानी तृणमूल कांग्रेस ने आज अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की है। जी, जो 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, उन सब पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें एक नाम तो यूसुफ पठान का है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही, जो पूर्व क्रिकेटर हैं। इसके अलावा और कितने मुस्लिमों को टिकट दिया है ये भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, यानी एक तिहाई जो आबादी है मुसलमानों की, 30% आबादी वहाँ पर मुस्लिमों की है, तकरीबन 30% के करीब। जी, तो अब इस बारे में जो खबर सामने आई है, तकरीबन 6 जो मुस्लिम हैं उनको टिकट दिया है। मतलब टोटल कितने कैंडिडेट उतारे हैं जिन्होंने अपने? टोटल 42। 42 में से 6 को टिकट दिया है। जी, अच्छा। यहाँ पर जो मुसलमान की आबादी तकरीबन 27-30% के करीब है। अच्छा, तो बरहामपुर से यूसुफ पठान को टिकट दिया है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान को टिकट दिया है। जी, और जंगीपुर से खलीलुर रहमान को टिकट दिया है। इसके अलावा मालदा दक्षिण से शहनवाज अली रेहान को टिकट दिया है। जी, इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जिनमें उलबेरिया से सजादा अहमद हैं। जी, तो इस तरीके से तकरीबन 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो मतलब मौलाना साहब आप बता रहे हैं जैसे कि वहाँ पे 30% आबादी है मुस्लिमों की, और 30 इनकी टोटल 42 सीटें बता रहे हैं आप, तो उस हिसाब से 6 सीटें क्या कम नहीं है? जैसा कि 30% के हिसाब से तो इनको कम से कम 10 या 15 सीटें देनी चाहिए थी मुस्लिमों को। जी, अगर आबादी के एतबार से जो अनुपात देखा जाए और जो एक भागीदारी की बात होती है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी सियासी तौर से भी उतनी ही भागीदारी हो, तो उस एतबार तकरीबन 10 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को टिकट मिलना चाहिए वही था। तो बिल्कुल, लेकिन फिर भी चलो 6 को टिकट दिया है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी जो लिस्ट जारी की है उसमें तो यानी इतना भी अनुपात नहीं है। अच्छा, चाहे आप अखिलेश यादव को ले लो, कांग्रेस को ले लो, ये बड़ी पार्टियां हैं नेशनल लेवल की, तो इन्होंने तो बहुत ही कम मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं जो TMC है उसको भी मालूम है जो 30% आबादी है उसके बस पर ही उसकी जो सरकार है, यानी मुस्लिम वो वोट देते हैं तो वो जीतती भी है, तो कुछ हद तक तो इसका ख्याल रखती है। लेकिन फिर भी जो सेकुलर पार्टियां हैं, जिस एतबार से मुसलमानों की जनसंख्या है, उस एतबार से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ से मतलब 6 लोगों को टिकट दिया गया है। जी, 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को जो पूरी लिस्ट है। तो फिर भी अगर उनसे कंपेयर किया जाए कांग्रेस और ये अखिलेश यादव, BJP वगैरह, तो इन्होंने तो शायद ऐसा किया है कि इनकी तो सीटें भी ज़्यादा, उनमें से एक एक दो दो कैंडिडेट मुश्किल से उतारे इन लोगों ने। जी, BJP का तो मामला ही अलग है, वो तो एंटी मुस्लिम मानी जाती है उसकी जिस तरह की हरकतें हैं। लेकिन जो TMC है उनकी फिर भी अच्छी छवि है, और बड़ी संख्या में जो वहाँ पर मुस्लिम है वो TMC को ही वोट करते हैं। और जो ये सीटें हैं यहाँ पर, यानी बहुसंख्यक जो आबादी है मुस्लिम है, तो उसी एतबार से यहाँ पर मुस्लिमों को टिकट दिया गया है, तो ये एक अच्छा संकेत भी है। और पूरे देश में जो मुसलमानों की जनसंख्या है उसी एतबार से उनको, यानी सियासी तौर से भी उनको, यानी उनका किरदार होना चाहिए, ताकि यानी सियासी जो नुमाइंदगी है वो भी कौम की हो सके।